रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने मौजूदा प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। ओपी चौटाला ने मौजूदा सरकार को लुटेरी सरकार बताया है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी हमला बोला और कहा कि अब हुड्डा का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं बचा है, इसलिए वो अपने बेटे को आगे कर नई पार्टी बनाना चाहते हैं। ओपी चौटाला ने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रदेश की सत्ता लुटेरों के हाथ में आ गई है, जो जनता के हित की ना सोचकर अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो भाजपा से भी बड़ी लुटेरी पार्टी थी। चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान प्रदेश का कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। संक्षिप्त में एक ही बात कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि लुटेरे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, हमें जनहित से कोई सरोकार नहीं, वो निज हित में लगे हुए हैं, लूट मचाना उनका ध्येय है। भूपेंद्र सिंह को पलट के ये पूछ लेना कि सरकार तो किसकी आएगी तो पता नहीं, लेकिन आपकी क्या स्थिति है वो तो बताओ। भूपेंद्र सिंह की खुद की स्थिति खराब है, आज कांग्रेस हाईकमांड में उसकी पूछ रही, बेटे को आगे करके अलग पार्टी बनाने का प्रयास।